गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज क्लास 7th होम साइंस क्लास एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2. एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन एंड आंसर. सो हियर यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, बोथ आर कंप्लीटेड इन योर बुक. Okay, so you can complete it from here. And this is very short answer type question and short answer type question. So first of all, let's start very short answer type question. And question number 1 is, why there is the need of balanced diet? And the answer is, and this is the answer. First line, very short answer number 1. There is a need of balanced diet in order to keep the body in a sound state of health. And a very short answer number 2 is, what are the essential elements of balanced diet? तो जहाँ आपने first answer complete किया है उसी के ठीक नीचे में है इसका answer. The essential elements of balanced diet are protein, fat, carbohydrate, minerals, vitamins and water. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन बैलेंस्ड डाइट. तो यहीं पे इसका थर्ड आंसर भी है. अ बैलेंस्ड डाइट कैन बी डिफाइंड एज अ डाइट विच प्रोवाइड सफिशियंट कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी. दिस इज द क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, what is the adverse impact of deficiency of calcium? And answer number 4 is, calcium, its deficiency causes decreased growth rate, negative calcium balance, loss of calcium from bones leading to the development of osteoporosis, hyperplasia and hyperability. And question number 5, name the diseases caused among the children due to deficiency of protein. तो वो कौन सी डिजीज़ हैं जो कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती हैं? तो दैट इज़ मैरास्मस एंड क्वाशरकोर आर द डिजीज़. अपने क्वेश्चन में ही आपको ये आंसर ऐड करना है, मैरास्मस एंड क्वाशरकोर. और उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, आर द डिजीज़ कॉज्ड अमंग द चिल्ड्रन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. ठीक है, लास्ट है आपका, व्हाट इज मैरास्मस. तो ये है आपका आंसर, मैरास्मस इज द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू कैलोरीज डिफिशियंसी. इट रिजल्ट्स ड्यू टू इनसफिशियंट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. सो दिस वाज योर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन माल न्यूट्रिशन, what are its two types? And the answer is, malnutrition is a physical state of unbalanced nutrition. Malnutrition is a physical state of unbalanced nutrition. और इनके two types क्या हैं? Number 1 is undernutrition and number 2 is overnutrition. Question number 2 is, what are the consequences if there is deficiency of carbohydrate? And the answer is, in case one does not take required quantity of carbohydrates, the body would become weak and the skin would become loose and wrinkled. The weight of the body also gets reduced. This is the short answer number 2. Question number 3, mention the diseases caused due to the deficiency of vitamin B. तो यहाँ पे आप देखिए पेज नंबर 10 पे है इसका आंसर. विटामिन बी एक अलग से हेडिंग दी हुई है और उसको आपको कंप्लीट करना है, शॉर्ट आंसर नंबर 3. नंबर 4, व्हाट इज एनीमिया, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, हाउ इट कैन बी क्योर्ड. तो इसका आंसर है आपका, दिस इज पेज नंबर 12, एनीमिया.
तो यहाँ पे जो चीज़ें अंडरलाइन हैं वो आपको मेंशन करनी है, लाइक इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट, बट एनीमिया इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड इन सम अदर कंडीशंस ऑफ फिजिकल हेल्थ, फॉर एग्जांपल प्रोलॉन्ग्ड मलेरियल इन्फेक्शन और प्रेजेंस ऑफ हुक वॉर्म्स मे लीड टू एनेमिक कंडीशन इन वुमेन, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ चिल्ड्रन. इन दिस कंडीशन द पर्सन ऑलवेज फील, यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना है, इन दिस कंडीशन से आपको पैराग्राफ चेंज करना है. इन दिस कंडीशन द पर्सन ऑलवेज फील टायर्ड, सफर्स फ्रॉम हेडेक्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्लगनिश इन फिजिकल एक्टिविटी. फिर से पैराग्राफ चेंज, इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, लिवर, एग एंड जर्मिनेटेड सीड्स हेल्प इन क्योरिंग दिस डिजीज. सो दिस वॉज अ शॉर्ट आंसर नंबर 4. नेक्स्ट इज व्हाट इज गॉइटर, हाउ कैन इट बी क्योर्ड. गॉइटर जिसे हम हिंदी में घेंगा भी कहते हैं, इट इज कॉज्ड ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम. थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट्स इन द नेक रीजन इज इनलार्ज्ड ड्यूरिंग आयोडीन डेफिशिएंसी एंड देयरफॉर द नेक अपीयर्स स्वॉलन. जनरल हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड, दिस डिजीज इज प्रिवेंटेड बाई टेकिंग आयोडाइज्ड साल्ट इफ द वाटर सप्लाई इन द एरिया इज डेफिशियंट इन आयोडीन. क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग डिजीजेस. कौन कौन से डिजीजेस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, क्वाशर कोर, रिकेट्स एंड स्कर्वी. ये आप देख सकते हैं डायग्राम है गॉइटर का, ठीक है. ये है क्वाशर कोर, क्या है, कैसे होता है, इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं और इसको आप, इसकी कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं. दिस इज़ द रिकेट्स एंड लास्ट स्कर्वी एंड दिस इज द शॉर्ट आंसर नंबर 6. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको केवल क्वेश्चन नंबर 2 करना है. ब्रीफली डिस्कस कॉमनली फाउंड स्किन डिजीजेस एंड दिस इज द आंसर. स्किन डिजीजेस इफ द स्किन ऑफ आवर बॉडी से लेकर के लास्ट विथ एनी स्किन डिजीज, ये कंप्लीट करना है आपको, ठीक है. क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है तो इतना कम से कम आपको लिखना है इसमें, और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहाँ आंसर इसका, वहाँ पे अपनी कंप्लेन आप बता सकते हो कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. ये चैप्टर आप कंप्लीट करिए नोटबुक में, और टेक केयर, गुड बाय.